जो कारवा हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस कारवा को कमजोर करने की कुछ लोग कोशिश में है। पार्टी तोड़ने का कभी प्रयास करते, कभी और कुछ अनर्गल बातों की चर्चा करके उपेंद्र कुशवाहा को घेरने की कोशिश करते। भैया जितना अजमाना हो अजमा लो, उपेंद्र कुशवाहा की संपत्ति की जांच कराने की भी मांग कभी की गई थी, अजमाकर तो आपने देख लिया है। खुली किताब की तरह है उपेंद्र कुशवाहा। अब डबल इंजन की सरकार में कहते दिल्ली की ताकत बिहार की ताकत उनकी एक साथ हो गई, क्यों दोस्ती हुई यह बात कई बार मुझको समझ से पड़े लगती है, लेकिन दोस्ती हो गई। प्रारंभिक दौर में हमने खुद भी प्रयास किया, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, बिहार की जनता को कैसे हिस्सेदारी इनकी सुनिश्चित हो इस बात के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमने प्रयास किया हमारी ताकत बढ़े, जिस ताकत की बदौलत इस लड़ाई को हम वहां भी रहकर लड़ सके। अंतिम क्षण तक प्रयास किया, उस प्रयास में क्या होना था क्या नहीं होना था यह विषय तो बात का था, लेकिन इतनी उम्मीद मुझको जरूर थी कि जिस भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में उपेंद्र कुशवाहा सदस्य है, हमारी पार्टी की मांगों पर कितना विचार होगा नहीं होगा अलग बात थी, लेकिन इतनी जरूर उम्मीद थी कि उस मंत्रिपरिषद का प्रधान उपेंद्र कुशवाहा को 2 मिनट समय मिलने के लिए जरूर दे देगा। हम चाहते थे मिलकर, पूछना चाहते थे, जो तय लोगों ने कर दिया था हिस्सेदारी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मैं समझ चुका था उस हिस्सेदारी के सवाल पर फिर से विचार नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं मिलकर पूछना चाहता था उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती तोड़ने का क्या कारण आखिर हुआ।